नौ दफा की शुरुआत हो चुकी है और 9 दिन तक भीषण गर्मी का दौर जारी रहने वाला है। सरकार ने आमजन से भीषण गर्मी और लू तापघात से बचाव की अपील की है, लेकिन ये नौतपा की भीषण गर्मी खेती किसानी के लिए कुदरत का दिया गया वरदान से कम नहीं है। डीडवाना जिले के संयुक्त निदेशक कृषि कल्प वर्मा ने नौतपा किसानों के लिए कैसे वरदान है और इसको लेकर जानकारी देते हुए बताया कि रोहिणी नक्षत्र के सूर्यदेव का प्रवेश हो रहा है। रोहिणी नक्षत्र के प्रारंभिक 9 दिन बहुत गर्म होते हैं, भारतीय मौसम विज्ञान में इसे नौतपा कहा गया है, और इन दिनों सूर्य जितना तपेगा, लू चलेगी, वर्षा काल उतना ही अच्छा होगा। वर्मा ने बताया कि नौतपा की भीषण गर्मी पड़ने से चूहों, कीटों और वे अन्य जहरीले जीव जंतुओं के अंडे समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि उनका प्रजनन काल होता है, तो कहीं ना कहीं नौतपा किसानों के लिए वरदान है। नौतपा की गर्मी के कारण जब कीट पतंग, डिट्टी के अंडे और कातरे की कीट खत्म हो जाते हैं, तो आगामी फसल में किसानों को इसके उपचार कर पर कम खर्चा करना पड़ता है, साथ ही किसानों की फसलों की पैदावार भी अच्छी होती है। खेत खाली होने के बाद में खाली खेत में किसान मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई कर रहे हैं। इससे मिट्टी में दबे हुए कीड़े मकोड़े और उनके अंडे ऊपर आकर गर्मी से नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही गहरी जुताई करने से फसलों के अवशेष है वो नीचे दबकर इसकी अच्छी खाद बन जाती है। किसान भाइयों, जैसा कि अपन देख रहे हैं, अभी नौतपा शुरुआत हो गई है और इसमें गर्मी काफ़ी विषम पड़ती है और हमारे को उससे निजात पाने के लिए हम तरीके अपनाते हैं, लेकिन दूसरी तरीके से ये कृषि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो गर्मी पड़ रही है अभी, अगर इस समय किसान भाई गहरी जुताई करते हैं अपने खेतों की, तो ये जो समय है, इस समय इतनी भीषण गर्मी, जो टेम्परेचर जो है वो अभी 45 डिग्री से ऊपर चल रहा है, तो ज़मीन के अंदर जो कीड़े चूहे और कातरा, इस तरह के जो हानिकारक कीट हैं, जंतु हैं, जो हमारी खेती बाड़ी नुकसान करते हैं, उनके प्रजनन ख़त्म हो जाता है और इसी तरीके से उनके जो ज़मीन के अंदर अंडे हैं वो ख़त्म हो जाते हैं।